नमस्ते। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि 1 से लेके 25 तक सारे नंबर्स एबेकस पे कैसे ऐड किए जा सकते हैं। ओके सो शुरुआत करते हैं 1 से। पहला नंबर 1, उसमें हमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने के लिए हमारे पास 2 बिट्स है, तो हमने 2 ऐड कर दिया। हमारे नेक्स्ट नंबर 3 ऐड करना है हमें। 3 ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे 3 बिट्स नहीं है, तो इसीलिए हमें स्मॉल फ्रेंड यूज़ करना पड़ेगा। 3 का 3 का स्मॉल फ्रेंड है 2, तो इसीलिए हम +5 -2 करेंगे। अगला नंबर है 4। 4 ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 4 बिट्स नहीं है और ये 5 भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसीलिए हमें बिग फ्रेंड यूज़ करना पड़ेगा। 4 का बिग फ्रेंड है 6, सो हमें -6 करके +10 बाजू में करना है। फिर अगला नंबर है 5। 5 ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर अगला नंबर 6। अभी 6 ऐड करने के लिए ध्यान दीजिए, हमें 6 का बिग फ्रेंड है 4, तो हमें -4 करके +10 करना है। लेकिन -4 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 बिट सबट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो इसीलिए हमें स्मॉल फ्रेंड ऑफ 4 मतलब -4 करने के लिए स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो है +1 -5। ओके सो ये -4 हो गया, उसके साथ में बाजू में +10 कर देंगे तो हमारा 6 पूरा हो जाएगा। इसे हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ पे जो बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसका खुद का स्मॉल फ्रेंड यूज करते हैं। सो 4 माइनस करना था, लेकिन 4 डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने -4 स्मॉल फ्रेंड यूज करके किया, जो कि +1 -5 था, और उसके साथ हमने +10 कर दिया, तो 6 पूरा हो गया। अगला नंबर है 7। 7 ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है। फिर 8 ऐड करना है। 8 ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 तो नहीं है, तो हम बिग फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं। 8 का बिग फ्रेंड है 2, सो -2 और बाजू में +10। फिर 9 ऐड करना है। 9 ऐड करने के लिए भी हमें बिग फ्रेंड यूज़ करना पड़ेगा। 9 का बिग फ्रेंड है 1, तो -1 करके बाजू में +10। फिर अगला नंबर है 10। 10 मतलब यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो इस रॉड पे 1 ऐड करने के लिए हम +5 -4 करेंगे। फिर अगला नंबर है, सो अभी तक हमारे पास आंसर है 55। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स ऐड करके हमारा आंसर आ गया है 55। अभी आगे जाते हैं। 11 ऐड करने के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। फिर 12 ऐड करने के लिए भी डायरेक्टली हो सकता है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। फिर 13 ऐड करना है। 13 ऐड करने के लिए हम यहाँ पे 1 तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ऐड करने के लिए हमारे पास 3 बिट्स नहीं है और 5 भी नहीं है, तो हम 3 ऐड करने के लिए बिग फ्रेंड यूज करेंगे, जो कि है -7 और बाजू में +10। सो 13 हो गया। अगला नंबर है 14। 14 के लिए 1 यहाँ पे ऐड करने के लिए हम बिग फ्रेंड यूज करेंगे, -9 +10, और 4 यहाँ पे ऐड करने के लिए हम स्मॉल फ्रेंड यूज करेंगे, जो है +5 -1। सो 14 हो गया। अगला नंबर 15। 15 ऐड करने के लिए यहाँ पे 1 तो हो गया, 5 ऐड यहाँ पे करना है, तो हमें -5 करके +10 मतलब बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना था। फिर 16। 16 तो डायरेक्टली हो सकता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। फिर अगला नंबर है 17। सो 17 के लिए भी ठीक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 ऐड करने के लिए हमारे पास -3 +10 करना है हमें, लेकिन -3 करने के लिए 3 बिट्स नहीं है, तो हमें फिर से कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो है -3 करने के लिए हम स्मॉल फ्रेंड यूज करेंगे, -3 के लिए हम +2 -5 करेंगे और साथ में बाजू में +10। सो +10 यहाँ पे करने के लिए हम +5 -4 कर देंगे, सो हमारा 17 पूरा हो गया। फिर 18। 18 के लिए यहाँ पे 10 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 ऐड करने के लिए बिग फ्रेंड यूज करना पड़ेगा, जो है -2 +10। फिर 19। 19 के लिए भी फिर से वैसे ही, यहाँ पे 1 तो हो जाता है, यहाँ पे 9 ऐड करने के लिए हमें -1 +10 करना होगा। फिर अगला नंबर है 20। 20 ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें 2 का बिग फ्रेंड यूज करना पड़ेगा, जो है -8 +10। सो अभी तक हमारा आंसर है 210। 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स ऐड करके हमारा फिलहाल आंसर आता है 210। आगे चलते हैं 21। सो 21 भी डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 1। फिर अगला नंबर है 22। सो उसके लिए यहाँ पे 2 ऐड करना है, यहाँ पे 2 ऐड करने के लिए हम +5 -3 करेंगे, और यहाँ का 2 जो है वो डायरेक्टली हो सकता है, सो 22 हो गया। अगला नंबर है 23। सो 20 तो डायरेक्टली हो जाता है, 3 ऐड करने के लिए हमें स्मॉल फ्रेंड यूज करना पड़ेगा, जो है +5 -2।
फिर 24 का 20 डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन 4 ऐड करने के लिए हमें बिग फ्रेंड यूज करना पड़ेगा जो है -6 और साथ में +10। तो +10 करने के लिए हमें यहाँ पे -9 और बाजू में +10 करना होगा। सो 24 पूरा हो गया। फिर लास्ट नंबर आता है 25। सो 25 का 20 भी डायरेक्ट है, 5 भी डायरेक्ट है। तो हमारा पूरा आंसर जो है 1 से लेके 25 तक सारे नंबर्स ऐड करने के बाद पूरा आंसर आता है 325। ओके okay?